हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बड़ों को छोटों को ढेर सारा। होली नहीं है ये, एक्चुअली है बारिश, ये मॉनसून बारिश है। मॉनसून बारिश है और मॉनसून बारिश में वो देखो ये है बारिश का। बहुत गर्मी हो गई थी, बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और अभी हम छत में आके नहा रहे हैं। वैसे हम नहाने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, अगर हम बीमार होंगे तो ऐसा मत कहना कि हम बारिश में। अच्छा नहीं आता ये नीचे वो मिट्टी का पानी इकट्ठा करो, देखो मेरे बालों के पास देखो। यस अरे क्या भैया, ये देखिए ऐसे शैतानी कर रहे हैं ये लोग, पानी भर रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर एक तो ये देखिए वगैरह हो गया था, ये लोग वो कैमरा आगे भेज नहीं पाते और मैंने इनको थोड़ी सी छूट जाती भीगने की। सच में मम्मी जब ये बारिश में भीगने जा रहे थे, मम्मी उसे कहे तू मत जा रहा, तू बीमार हो जाएगी। अच्छा ठीक है, एक पहले बारिश ना थी, फिर बारिश में हम भीगते भी नहीं है, लेकिन आज इतनी गर्मी होती ना भीग में बहुत ज्यादा भीग गई हूँ। देखो मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं, मेहंदी लगाने हो रहे हैं। इसलिए आप ये मत कीजिएगा कि बुढ़ापे में भी देखो मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। मेहंदी लगानी है, और मेहंदी भी कैसे लगाऊं? ये देख सकते, देखो 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 लोगों को देखो, यहाँ तो बदतमीज दो। आप ऐसा भी नहीं कह सकते, गरम गरम पकौड़े खाते हैं। आज हमने भट्टी चुकानी और भात खाया। माई बाइक भी नहा रही है, बोल रहे बता बाइक बाहर रखा है। और आजकल ना बाइक अगर बाहर रख देंगे तो बाइक में पानी चले जा रहा है। कल हम लोग हड़चौड़ गए थे तो चल नहीं रही थी, उसमें किसने कहा कि उसमें पानी भर के पानी निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चे ना कहना नहीं मानते, देखो अभी हम नहा रहे हैं, हुआ थी मजा आ गया है। ब्लॉग नहीं आ रहा, ब्लॉग नहीं आ रहा, ब्लॉग नहीं आ रहा। अरे यार क्या डाले, मेरे समझ में नहीं आता ब्लॉग। अब दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी आपको मेरे बिजी रूटीन। आज हमने फुल वर्क फ्रॉम होम किया, कल आपको दिखेगा फुल वर्क फ्रॉम होम। मतलब इन लोगों ने आज क्लास ली ना, मैंने घंटी भी ठीक से नहीं बजा पाई क्योंकि बादल। कभी एक एक क्लास ले रहा था, कभी दूसरी क्लास ले रहा था, और मेरी घंटी आवाज़ में बच्चों तक पहुंच जाती। फिर बच्चों उससे कहते हैं कि आपकी मम्मी पूजा कर रही है, तो इसलिए मैंने घंटी भी नहीं बना, घंटी भी नहीं करी। और चलो चले जाते हैं, चलो बिजली वीडियो बना। अब बिजली चमकने लग गई है तो अब हम लोग चलते हैं नीचे और गर्मा गर्म चाय पियेंगे। उसके बाद एक एक जोड़ा बड़ी मुश्किलों से मैंने कपड़े सुखाए थे। मैं भी नींद आना चाह रही थी, चावल और भटकी चुटकानी खा के कह रहा है मेरे को पकौड़ी खानी है। इसके लिए भटकी चुटकानी खा रहे थे, इतना खाया ना जितनी रखी थी सारी खा दी मैंने, पूरी आधी कढ़ाई खा दी। और मस्त बारिश, मस्त बारिश, मस्त। बस आप फोन रखो, एक बार और भीगते फिर अंदर जाते हैं। बाय बाय। सो लेट्स गो, आज हम देखो यहाँ पे आ गए हैं और क्या बोलते हैं अभी अंदर आ गए हैं, चेंज करने जा रहे हैं। हाँ देखो खुला रहेगा ना, नीचे तक पानी पहुँच गया, पर फिलहाल ये खुला रहेगा ना, तो उससे पानी फिलहाल खुला लेना। तृप्ति महसूस हो रही है क्योंकि हमने मतलब ना बहुत हद गर्मी शरीर से ऐसा लग रहा है, गरम 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 पानी है। पता नहीं अब सर्दी लगी कि अंकिता को भी बहुत जल्दी लग जाती है, इसको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, इसको छींकें होने लगेंगी, जुकाम लगेगा। मैं दिखा दूंगी जब मेरा जुकाम होगा, मैं तुरंत वीडियो खोल के दिखाऊंगी कि देखो बारिश का साइड इफेक्ट, इसको सर्दी जल्दी लग जाती है ना। पर ठीक है, मेरे को ना बड़ा सही सा लगा क्योंकि मैंने नहाया भी नहीं था, पूरा मानसून चले जाते हैं, लोग नहा के अपनी वीडियो डालते हैं। बिजली इतनी जोर से चमक रही है, मैं बिजली चमकती ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाती है। भीग गए हम खुद, वो भीगने से बच रहे हैं, हम खुद भीग रहे हैं। वाह वाह वाह। तो अभी मैं आपको नीचे चाय, मैं चेंज करके नीचे, अभी मैं नीचे चेंज करके चाय बना के लाऊंगी, या तो चिप्स तलेंगे या देखते हैं पकौड़ी शकौड़ी खरीदते हैं। क्या पकौड़ी है, कोई नहीं बनाने वाला ना, ये सब मुझे देखे रहते हैं कि मम्मी काट के रख दूंगी, क्या पता बना दे। चलो ठीक है, खाने का टाइम नहीं है ना, 6 बज जाते हैं। हां 6 बज गए, थोड़ी देर में डिनर आ जाता है, तो फिर हम लोग ना अगर इस टाइम पे कुछ खा लेते हैं, हम लोग शाम को खाना नहीं खाते, चाय पी लेंगे। हाँ ये कमी, चाय नमकीन खाएंगे, चाय बिस्किट खाएंगे। चलो ठीक है, अभी मिलते हैं आपको नीचे जाके। बाय बाय। तो फिलहाल बारिश में भीग भाग के मैं आ गई हूँ चाय बनाने, चाय ऑलमोस्ट बनी गई है मेरी, खूब मसालेदार चाय बनाएंगे क्योंकि जितना बारिश में भीग गए हैं ना, अगर बीमार पड़ गए ना तो इन्हीं की डांट पड़ेगी और भीग बारिश में बोलेंगी फिर। तो मस्त मसालेदार चाय बना के लेके आते हैं। मम्मी ने एक मसाला बनाया है, सीक्रेट मसाला, आपको नहीं बताऊंगी, तो सीक्रेट मसाले की चाय पीनी है, ये देखो सीक्रेट मसाला। तो उसके लिए आपको हमारे घर आना पड़ेगा, तभी हम आपको वो सीक्रेट मसाले वाली चाय पिलाएंगे। और फिलहाल हम इंजॉय करते हैं चाय, क्योंकि चाय चाय होती है, क्या बताएं लोगों को जो चाय नहीं पीता है। तो अभी दिखाती हूँ, ये देखो ये पता नहीं क्या, मम्मी अपना ये मेज पोस्ट लेके बैठ गई है,
देखो मम्मी और मम्मी का मेज पोस्ट मुझे ना बनाने का टाइम नहीं होता, और जब होता है मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, फिर शाम को सब्जी काटनी हो जाती है, फिर सांस हो जाती है, सुबह में 11-12 बजे तक काम ही करते रहती हूँ, किसी दिन में मैं सो जाती हूँ, कुछ लगा सोती नहीं भी हूँ ना, मैं गर्मी में ज़्यादा बनाने का मन नहीं करता। और शादी से पहले तो हम लोग फिर होते थे तो हम 3 या 4 दिन में एक मेज पोस्ट को पूरा करते थे। बाप रे, 3-4 दिन में एक मेज पोस्ट, और मैं पूरी से ऐसा बनाती थी, इतने बनाती थी, पर मेरे बच्चे नहीं बनाते हैं कुछ। जब ये सारे टैल, जब ये सारे गुण हमारी माता में होंगे तो हम खो जाएंगे। ये सारे गुण हमारी माता श्री में, तो हमारी माता श्री बनाएगी। पहले से ऐसा होता था ना ये मेज पोस्ट हम 3 या 4 दिन में बना देते थे, और पहले पेरेंट्स इतना अलाउ भी नहीं करते थे कपड़े, तो ये बोरू की टाट होते थे, बोरू की टाट उसमें सिल देते थे हम। और पुराना ऊन, नया ऊन कहाँ मिलता था हम लोगों को, पुराना ऊन मिलता था तो हम लोग ऊन को उधेड़ के, जो स्वेटर होती थी उसको उधेड़ के, उसका लेके, और सुई भी बंद, अब क्या बताऊँ आपको, बड़ी बड़ी सुइया से उसी से बना देते थे। और अब तो मेज पोस है, मावा मेज पोस ला के देते हैं, ऊन ला के देते हैं, ये ला के देते हैं, पर बच्चे नहीं बनाते क्योंकि माता श्री को आता है। और मैं कढ़ाई, 16 प्रकार की कढ़ाई आती थी मुझे, कितनी टैलेंटेड माँ हमारी। हमारी मैडम थी ना एक, गिनवाल मैडम, तो उन्होंने हमें 16 प्रकार की कढ़ाई सिखाई थी। बाप रे, और पहले से ये होम साइंस होता था ना, उसमें सब चीज़ें सिखाई जाती थी, कढ़ाई हमें एक, और बिनाई, बिनाई मैंने बिनाई सीखी उसमें, वो सीख के झाड़ू में, क्योंकि सीख तो होती नहीं थी, दो सीख के झाड़ू में बीन बीन के मैंने बनाया, सीखा है मैंने। लेकिन अब बच्चे पहनते कहाँ हैं, लेकिन जब छोटे थे ना मेरे बच्चे, मैंने कभी रेडीमेड स्वेटरें नहीं ली, हमेशा भी नहीं, कंप्यूटर डिजाइन कहते हैं उसे, दो रंग की डिजाइन, उसमें फ्लावर वगैरह बनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब 11-12 बजे तक बनाती थी मैं, रात में एक भी बज जाता था, उस टाइम पे शनिवार और इतवारी पिक्चर आती थी तो मैं रात भर बना के, और सुबह में जल्दी भी उठ जाती थी क्योंकि इन लोगों को जाना होता था, इतनी धूम थी मुझे बनानी। अब तो गर्मियों में आप जैसे 4 बनाऊँ उसके बाद जाके फिर कभी कुछ काम हो जाता, कुछ काम हो जाता, कोई बेल बजाता है, कोई बाहर हो जाता, फिर ना मन हो जाता है। अगर इसको लगातार 1-1.5 घंटा बनाओ तो कल मैंने बहुत बनाया, कल मेरे पास टाइम था, आज मैंने बनने वाला है, मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत बारीक वाला हिसाब है, अभी ये तो इतना बचा है ना, ये वाला तो फिर भी सही है, और इससे जो पहले वाला है ना बहुत बारीक है, वो पता नहीं कितने दिनों में पूरा होगा। तो अब हम लोग चाय पीते हैं, अभी आपको बताते हैं। तो चाय पानी पीने के बाद भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि अब तो क्या ही रिकॉर्ड करते। तो आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, हमने आज बारिश में खूब मस्ती करी है, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं।